रैली में आज विवादित विज्ञापन को लेकर करणी सेना ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। उक्त विज्ञापन में अभिनेत्री आलिया भट्ट ने कन्यादान पर टिप्पणी को लेकर उनके खिलाफ कलेक्ट्रेट पर जमकर नारेबाजी की। आपको बता दें कि बरेली करणी सेना ने प्रदर्शन करते हुए आलिया भट्ट का पुतला भी फूका। वही आपको बता दें कि करणी सेना के पदाधिकारियों ने आलिया भट्ट अभिनीत मोहे ब्रांड के विवादित विज्ञापन को लेकर जिला अधिकारी बरेली को ज्ञापन दिया है और आलिया भट्ट के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। जिला अध्यक्ष ठाकुर राहुल सिंह ने बताया कि मोहे ब्रांड के नए विज्ञापन में फिल्म अभिनेत्री आलिया भट्ट द्वारा कन्यादान, जिसे सनातन धर्म में महादान की संज्ञा दी जाती है, उसका उपहास करने की चेष्टा की जा रही है। हम करणी सेना के सभी पदाधिकारी इसे अपनी सनातन संस्कृति का अपमान मानते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर को शिकायत पत्र ज्ञापन के माध्यम से सूचित कर रहे हैं ताकि वे इसे संज्ञान में लें और उचित कार्रवाई करें। इसके बाद जल्द ही करणी सेना अभिनेत्री आलिया भट्ट पर विज्ञापन एजेंसी तथा मोहे ब्रांड के ऊपर केस भी दायर करेगा। ज्ञापन के दौरान कुमार सिंह उर्फ दीपू ठाकुर, जिला संगठन मंत्री सुधा शर्मा, जिला अध्यक्ष मातृशक्ति, विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष भाई नीरज पटेल जी आदि लोग मौजूद रहे। प्राइम 18 न्यूज के लिए बरेली से रितेश चौहान की रिपोर्ट। मेरा नाम ठाकुर राहुल सिंह है, मैं करणी सेना का जिला अध्यक्ष हूँ। अभी हाल ही में आलिया भट्ट द्वारा एक विज्ञापन प्रस्तुत किया गया। उस विज्ञापन में जो है आलिया भट्ट ने यह दर्शाया है कि सनातन धर्म में जो एक कन्यादान सबसे बड़ा एक दान है, उसको गलत उस पर टिप्पणी की गई है। तो करणी सेना इसका विरोध करती है और चेतावनी देती है कि अगर इस विज्ञापन पे जल्द रोक नहीं लगाई गई तो हम पूरे देश में उग्र आंदोलन करेंगे। और अब ये नाचने गाने वाले लोग हमारी संस्कृति पे उंगली उठाएंगे, इनकी इतनी औकात है? बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम लोग अपने सनातन धर्म से छेड़छाड़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे कोई भी हो, किसी भी मजहब का हो, चाहे हमारे सनातन धर्म का क्यों ना हो, पर हम अपने सनातन धर्म पे उंगली नहीं उठने देंगे। आज हमने आलिया भट्ट का पुतला फूका है और जरूरत पड़ी इसके बाद हम तुरंत जाके धरना देंगे। हमारे साथ पूरा सनातन समाज खड़ा हुआ है आज कंधे से कंधा मिलाकर।